तो टॉपिक है आपका निर्धनता या गरीबी। अब गरीबी को लेकर के भारत की आज़ादी के बाद, देखो इसके कारण बहुत सारे हैं। भारत एक औपनिवेशिक शोषण का एक ऐसा देश रहा है जो औपनिवेशिक शोषण का शिकार हुआ है, जहाँ पर विदेशी लोगों ने आकर के इस देश को गुलाम बनाया और यहाँ की जितनी भी धन दौलत और संपत्ति है उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन हो गया। और वो बहुत सारे कारण है कि अंग्रेज़ों की क्या भूमिका रही और आज जो हम गुलाम हैं। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद 70 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, 70 साल की अवधि में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, सरकार ने किस तरीके से गरीबी उन्मूलन, निर्धनता उन्मूलन को लेकर प्रयास किए और क्यों ये पूरे के पूरे कार्यक्रम विफल हो गए या पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। बच्चों, 2011 में तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार निर्धनता जो है वर्तमान में लगभग 22% लोग हैं जो निर्धनता रेखा से 21.9%, लगभग 22% निर्धनता रेखा से नीचे हैं, है ना, बिलो पॉवर्टी राइट। बीपीएल कार्ड बना हुआ है, आप देखते हैं ना, कार्ड बनाए जाते हैं, राशन कार्ड, है ना, जिसको लेकर के आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम से जुड़े हुए कोटों में जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे सरकार की योजनाओं को लाभान्वित होते हैं। तो निर्धनता उसको लेकर के बाकायदा तेंदुलकर कमेटी ने बताया, देखो अभी ये सही रिपोर्ट नहीं हो सकती है क्योंकि निर्धनता के मानक अलग भी हो सकते हैं। फिर रंगराजन कमेटी बनाई गई, तो ऐसी बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई हैं जिनके द्वारा भारत के निर्धनता के स्तर को बताया गया है। लेकिन हाँ, हर कमेटी में एक चीज जरूर हुई है कि लगातार निर्धनता कम हुई है, पहले के आंकड़ों से अब के आंकड़ों में कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी भारत में वर्तमान समय में लगभग 40% आबादी ऐसी है जो भूखों पेट सोती है गरीबी के कारण से। और गरीबी के बहुत सारे कारण है, गरीबी का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। जब रोजगार ही नहीं होगा, रोजगार नहीं होने के कारण से आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो बचत नहीं होगी, पूंजी नहीं होगी, पूंजी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा। तो सबसे पहले गरीबी का मतलब क्या है, गरीबी को डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। निर्धनता, देखो ये स्थिति ऐसी, गरीबी फील की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। जिसके घर में गरीबी है उसे पता है कि गरीबी क्या होता है। जब धन नहीं होता, जेब खाली होती है तो क्या स्थिति परिस्थिति होती है, कभी अपने पिताजी से पूछिएगा, वो बताएंगे। तो गरीबी एक ऐसी स्थिति कि मैं लफ्जों में नहीं बयां कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको डिफाइन करने का प्रयास करता हूं। निर्धन वह स्थिति है जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। निर्धनता वह स्थिति है जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, उसे निर्धनता कहता है। मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं आपकी, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, पेट में भोजन होना चाहिए, बिना भोजन के आप नहीं जी सकते हैं। अच्छा, रोटी कपड़ा और मकान में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है आपका सम्मान, आपका सेल्फ रिस्ट्रिक्ट, आपके शरीर का कपड़ा। बहुत सारे लोग कहेंगे भोजन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सेल्फ स्टीम, सम्मान, आत्मसम्मान, वो खत्म तो सब खत्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कपड़ा, आपके शरीर, आपका तन ढका रहे, कम से कम इतना आपके पास पैसा होना चाहिए, है ना, शरीर ढका रहे। समझो, जिसके पास शरीर ढकने तक के लिए नहीं है कपड़ा, तभी देखते हैं हम, सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारी कपड़ा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान से ज्यादा हम इस पर ध्यान देते हैं और इसी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका भोजन, है ना, तो ये आधारभूत मूलभूत, और फिर इसके बाद आवास, जहां पर आप रह सकें। लेकिन आज के समय पे वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी रहने की कोई उपस्थिति नहीं है, भोजन की कोई अनिश्चितता है, एक टाइम भोजन मिलता है तो दूसरी टाइम नहीं मिलता। लोग दिन तीन चार, कई बार आप देखते हैं ना, रास्ते से आप गुजरेंगे तो आप पाएंगे कि रोड के किनारे बहुत सारे लोग भूखे पड़े रहते हैं। आपको लगता है शराब पी के पड़ा होगा, नहीं, शराब नहीं है, उसके पेट में भोजन नहीं है जिस कारण से पड़ा है, दो दो तीन तीन दिन तक भोजन नहीं खाता। कई बार मैं खुद निकलता हूं रास्तों में, सड़कों में निकलता हूं, कभी जब होता है कि यार चलो इस समय देख के आते हैं, तो कितने लोग, मैं जाके बैठता हूं जब सड़कों के किनारे, तब कितने लोग मिलते हैं जिनको दो दो तीन तीन, और हमको लगता है कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति है भारत में, और इसको लेकर सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर प्रयास किए गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण है जिन कारणों से आज भी निर्धनता समाप्त नहीं हुई, इन बिंदुओं को भी समझेंगे। तो निर्धनता की वह स्थिति है जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, और मूलभूत आवश्यकताओं में तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके जीवन के लिए सबसे जरूरी है। यदि ये नहीं आप पूरा कर सकते तो समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, है ना।
अब इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, सरकारी प्रयास तो बहुत सारे हैं। सरकार ने आपके भोजन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम को डेवलप किया है। सरकार ने अंत्योदय अन्न योजनाएं, विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की हैं, विभिन्न योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजनाएं, इसको लेकर मैंने एक पूरा वीडियो, एक मास्टर वीडियो ही बनाया था सरकारी योजनाओं का, ये आजाद आईएएस एकेडमी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना है, ये भी खाद्य सुरक्षा को लेकर के है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अन्नपूर्णा योजना, ये भी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ। देखेंगे भोजन, कपड़ा और मकान, और भोजन, कपड़ा और मकान आपको कम मिलेगा जब आपके पास रोजगार होगा। तो इसको ध्यान में रख करके भारत का सबसे बड़ा अकुशल श्रम को जुड़ा हुआ रोजगार मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो रोजगार गारंटी को लेकर के कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में, तो 150 दिनों का रोजगार आपको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं यदि रोजगार उपलब्ध होगा तो पैसा मिलेगा, उसका भत्ता दिया जाएगा। तो मनरेगा, भारत निर्माण योजना, ये सब योजनाएं आपकी गरीबी समाप्त करने से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऐसी विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कोविड का प्रयास प्रभाव है, और कोविड के प्रभाव में आप एक चीज देखेंगे कि अब गरीबी का स्तर और बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है। कारण लोग गांवों की तरफ पलायन कर चुके हैं जहां पर रोजगार नहीं है। अब गांव में रोजगार नहीं है, शहरों में रोजगार बहुत ज्यादा है, जिस कारण से लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं। लेकिन कोविड के कारण लोग अपने घरों को लौट गए, और ऐसे स्थिति में गांव में तो रोजगार मिलेगा नहीं, प्रचंड बेरोजगारी बढ़ेगी, और ऐसे स्थिति में शहरों में जो रोजगार है वो भी चौपट हो जाएंगे, वो उनकी भी स्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी। और इसी दौरान गरीबी चरम में बढ़ेगी, और एक बड़ी समस्या है, चाइना के द्वारा जो आने वाला माल है उसका हमारे द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी लोगों के पास जो रोजगार थे वो भी छिन चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं जो समय के साथ आपको देखने को मिलेंगी। तो निर्धनता को लेकर सरकार के द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन इससे निर्धनता नहीं समाप्त हो जाएगी। सरकार यदि लोगों को पैसा बांट दे, कुछ भी कर दे, इससे निर्धनता नहीं निपटने वाली है। इसका कारण है, कई सारे कारण है, कारण मैं आपको बताऊंगा। एक कारण है कि लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंस चुके हैं, गरीबी का दुष्चक्र। मैंने आप लोगों को यूपीएससी और यूपीपीएससी का दुष्चक्र बताया था कि पीसीएस का दुष्चक्र क्या होता है। यूपीएससी मतलब एक बार आप फंस जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, आप ट्रैप्ड हो जाते हैं, आपको समस्या समझी नहीं आती कि समस्या क्या है वास्तविक तौर पर। तो आमतौर पर निर्धनता का दुष्चक्र, निर्धनता के दुष्चक्र को यहां पर मैंने प्रयास किया है दिखाने का कि निर्धनता के दुष्चक्र के तहत जो व्यक्ति निर्धनता के दुष्चक्र में फंसता है, जो गरीब व्यक्ति है, कारण क्या होता है। पहली बात, उसको शिक्षित नहीं होता है, कुशल श्रमिक नहीं होता है, उसको स्किल्ड लेबर नहीं होता है, जिस कारण से एजुकेटेड नहीं होता है, तो उसको सही रोजगार नहीं मिल पाता, नौकरी के कम अवसर होते हैं। मिलता भी है तो ऐसा रोजगार मिलता है जिससे प्रतिदिन खा करके बस प्रतिदिन अपने भोजन पूर्ति के लिए ही कर पाता है। अकुशल श्रम में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, दिहाड़ी में जीवन जीता है, और अनिश्चित होता है, असंगठित क्षेत्र है, अनिश्चित होता है, आज रोजगार मिला कल नहीं मिला, आज मिला कल नहीं मिला। तो शिक्षा की कमी पहला कारण है, नौकरी के कम अवसर होते हैं जिसके कारण से, और इसी के कारण से जो भी इनको जॉब देता है उसके द्वारा व्यापक स्तर पर शोषण किया जाता है, पूंजीवादी शोषण किया जाता है। तो जो गरीब व्यक्ति होता है, जो अशिक्षित व्यक्ति होता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, उसको स्किल्ड लेबर नहीं होती, ऐसी स्थिति पर नियोक्ता द्वारा शोषण किया जाता है, और ऐसी स्थिति में वो अपनी आर्थिक तौर पर, यानी कि कम पैसा दिया जाएगा, मजदूरी कम दी जाएगी, कभी काम दिया जाएगा कभी नहीं दिया जाएगा, तो गरीबी का फायदा उठाया जाता है, और ऐसी स्थिति में आर्थिक तौर पे ये व्यक्ति कभी भी समृद्ध नहीं बन पाता है, जिसके कारण से इसके आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरीके से दूषित हो जाता है, और ऐसे स्थिति में लगातार ये व्यक्ति बीमारी और कुपोषण की स्थिति में जीता है। जब ये आर्थिक तौर पे सशक्त नहीं होता तो मलिन बस्तियों पे रहता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, जिस कारण से इसका जो है जीवन स्तर, स्वास्थ्य स्तर, बीमारी ये लगातार इसके साथ बढ़ते रहते हैं। यहां पर बड़ी संख्या पर जो है बहुत बड़ी ये लोग जो भी है किसी कार्य को करना भी चाहते हैं तो इनके पास पूंजी का अभाव होता है, और ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या पे ये ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, या तो बैंक से लेते हैं या तो साहूकार से लेते हैं, और साहूकार के ऋण पे पास में फंस जाते हैं, और बड़ी संख्या में ब्याज दर के चक्रवर्ती ब्याज दर के चक्र में फंस करके लगातार पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक ब्याज पर ऋण ले लेते हैं ये, और इन जो बहुत अधिक ऋण पर 12% के ऋण पर भी ब्याज देने वाले लोग इनको अपने ट्रैप कर लेते
लेते हैं और ऐसी स्थिति में आर्थिक जल निकासी प्रारंभ हो जाती है और ये जीवन भर गरीब बना रहता है। इसे पता नहीं चलता कि मैं गरीब कैसे ना बनूं, क्योंकि शिक्षित नहीं है तो इसे समझ में नहीं आता। ये अपनी जनसंख्या बढ़ाता रहता है, इसको लगता है कि आज एक बच्चा है कल दूसरा हो जाएगा तो वो भी हाथ बटाएगा, लेकिन इसे ये नहीं पता कि अगला बच्चा को भी ये श्रमिक बना ही देगा, उसे भी गरीब बना देगा। तो ऐसी कंडीशन में ये व्यक्ति को पता नहीं चलता और गरीबी के दुष्चक्र में ये फंस जाता है और यही चीजें इसके साथ लगातार होती रहती हैं, है ना। तो शिक्षा में कमी, स्वास्थ्य के प्रति उदासीन, जब स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा होगा तो फिर कैसे उसका जीवन स्तर बेहतर हो पाएगा। शिक्षा की कमी का रीजन भी यही निर्धनता ही है। जब जेब पेट में भोजन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आप वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचेगे। आज जितने लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं सबका पेट भरा हुआ है, सबके पेट में भोजन है, इसलिए आपका पढ़ाई पे मन लग रहा है। यदि अभी पेट में भोजन नहीं होता तो दिमाग दूसरी तरफ चलना शुरू कर देता। तो शिक्षा की कमी रह जाती है, स्वास्थ्य के प्रति उदासीन हो जाता है और ऐसी स्थिति में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण का अभाव रहता है और इनके पास किसी भी प्रकार का स्किल्ड लेबर नहीं होता है, कौशल युक्त रोजगार नहीं होता है और जिसके कारण से सरकारी कामों के क्रियान्वयन में त्रुटियां पाई जा, और भी बहुत सारे कारण है सरकार के द्वारा भी, बहुत सारे सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जाती हैं इन योजनाओं का वास्तविक लाभ इन गरीबों तक नहीं पहुंचता है। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर किया जाता है, लाल फीताशाही की जाती है, काला बाजारी की जाती है, जिस कारण से भी ये लोग गरीब बने रहते हैं। तो सरकार के द्वारा प्रयास तो किया जाता है लेकिन उस प्रयास का जब फायदा उस गरीब तक पहुंचे तभी ठीक है। वो कौन खा लेता है? सरकारी अधिकारी कर्मचारी और जो पूरा का पूरा चेन सिस्टम है उसके द्वारा पूरे की पूरी तरीके से। जैसे अभी COVID-19 हुआ, COVID-19 के दौरान बड़ी संख्या में खाद्यान्न को लेकर विभिन्न प्रकार की चीजें भेजी गई, गरीबों को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? अधिकारियों के द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, जो स्वयं कोटेदार है उसके द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिसके कारण से भारत में एक वर्ग हमेशा गरीब बना ही रहेगा। तो इस समस्या का पूर्ण समाधान होना जरूरी है। तो भारत में सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं और इन योजनाओं का फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि विभिन्न समस्याओं के कारण से यह गरीब जकड़ा हुआ है, इसे नहीं समझ में आ रहा, यह निर्धनता के दुष्चक्र में फंस चुका है, जिसके कारण से गरीबी उन्मूलन का सरकारी प्रयास असफल होता हुआ दिख रहा है। आज वर्तमान में 40% से ज्यादा लोग भूखों से मर रहे हैं, कुपोषण के शिकार हैं, बेरोजगार हैं। तो रोजगार, सबसे पहले सरकार को निर्धनता खत्म करनी है तो क्या करना होगा? रोजगार सृजन पर ध्यान देना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर पर काम करना होगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पर ध्यान देना होगा, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको वित्त मुहैया कराना होगा, लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम विकसित करना होगा, लोगों को शिक्षित और एजुकेटेड करना होगा। इसीलिए बच्चों, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। आप यदि शिक्षित हैं तो निश्चित तौर पे आप कुछ ना कुछ कर जाएंगे और गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ देंगे। जिस समाज और जिस परिवार में लोग शिक्षित नहीं होते वो गरीबी के दुष्चक्र में नितांत फंसे रहते हैं और पूंजी वर्गवादी रोग और सरकारी तंत्र उनको हमेशा गरीब बनाए रखता है, क्योंकि वो दुष्चक्र से निकलने नहीं देता। तो ये आपका पूरा का पूरा इस प्रश्न में आपको विषय वस्तु और इससे जुड़ी हुई पॉइंट आपको लिखने चाहिए। समझ रहे हैं? समझ गए, है ना। तो निर्धनता से जुड़े हुए, निर्धनता उन्मूलन से जुड़े हुए जो मैंने पॉइंट बताए, इन पॉइंटों को आप लिख सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर चीज़ें यथार्थ तौर पर समझ में आ जाएंगी, है ना। तो आप सभी निश्चित तौर पे